नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बड़वानी में कलमबंद आंदोलन में उतरे सहकारिता और उचित मूल्य की दुकान के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर कुछ दिन पूर्व अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी 3 सूत्री मांगे रखी गई। जब सहकारिता कर्मचारियों की मांग के संबंध में कलेक्ट्रेट गेट पर ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार दर्शिका मोइदे को सहकारिता कर्मियों ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार किया, लेकिन इसी दौरान इन कर्मियों विभिन्न मांगों के तत्वावधान में एसडीएम घनश्याम भनगर को ज्ञापन के लिए स्वयं आना पड़ा। साथ ही सहकारिता कर्मियों ने ज्ञापन सौंपते और POS मशीनों को जमा करते हुए कहा कि कार्य में बाधा और आम नागरिकों में होने वाली समस्याओं का जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। मध्य प्रदेश सहकारिता संघ के बैनर तले बैठे समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें व सहकारिता संस्था के कर्मचारियों ने ज्ञापन के उचित मूल्य की दुकानें साथ ही ज्ञापन के माध्यम से ये बातें कहीं। जिले में समस्त सहकारिता समिति में कार्यरत कर्मचारी अपनी उचित न्यायोजित मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चित कलमबंद आंदोलन करके जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें व सहकारिता संस्था पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। आपका बादल शर्मा, किस पद पर हो? मैं सहायक विक्रेता के पद पर हूँ। आज यह धरना क्यों दिया गया? आज यहाँ पर शाखा स्तर पर सोसाइटियों में जितनी एक ब्रांच के अंदर समिति आती है, जैसे 6 सोसाइटी है तो 6 सोसाइटी कर्मचारी ब्रांच स्तर पर धरना दे रहे हैं। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आज हम धरने पर हैं और सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर हमने धरना दिया है। और जब तक हमारे संघ के आधार पर हमें जो भी आगे आदेश मिलते रहेंगे, हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, उसमें हमारा क्रेडर वेतनमान लागू किया जाए और दूसरा जो PDS खाद्यान्न कटौती की गई है वो आवंटन अतिरिक्त आवंटन दिया जाए एवं जो समर्थन मूल्य हम जो कमीशन कम है उसे बढ़ाया जाए। स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला? स्थानीय प्रशासन को हमने परसों कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मतलब माध्यम में दिया है कलेक्टर महोदय द्वारा कि आप हमारी मांगें पूरी करें, तो हमें वहां से आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों का जो प्रस्ताव हमें पारित हुआ है वो हम जल्दी से जल्दी राज्य शासन को अवगत कराएंगे। ये धरना कितने दिनों तक संचालित तो रहेगा? ये सर महासंघ भोपाल के आह्वान पर है, अभी तो अनिश्चितकालीन है। जैसे ही महासंघ के द्वारा हमें आदेश होते जाएंगे वैसे ही हमारी हड़तालें चलती रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। अगर वर्तमान में आपकी मांगे अगर नहीं मांगी तो आप आगे क्या करोगे? आगामी योजना हमारे महासंघ के आह्वान पर है, जैसे भूख हड़ताल करना या सामूहिक मुंडन कराना, जैसे भी होगा शांतिपूर्ण स्वभाव से हम लोग इस हड़ताल को जारी रखेंगे।